बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। सीतामढ़ी जिले के सदर अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण दो दिन पहले का है, जब सदर अस्पताल के गेट पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। अब इस वाकया के बाद से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। इस मामले को लेकर राजद नेत्री ने ट्वीट कर लिखा कि सदर अस्पताल का नाम बदल कर सड़क अस्पताल रख देना चाहिए। बस इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कर्मियों की क्लास भी लगाई है। इनके परिजनों ने कहा कि मेरे शरीर में तो खून है नहीं, है तो ले लीजिए। अच्छा। तो खून नहीं थी तो क्या ऐसे में यहाँ का ब्लड बैंक क्यों नहीं खुलते? ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ का जो भी लोग है कैपेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना पड़ेगा कि जो कैपेबल नहीं है उसके लिए हम वो कहाँ जाएगा। इसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने जाँच की बात की है, जबकि चीजें बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके से सदर अस्पताल जो है वो सड़क अस्पताल में कल तब्दील हुआ, और किस तरीके से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चे का क्राउन दिख रहा है, बावजूद भी फोन पर बच्चे रेफर कर दिया गया कि इनको एसकेएमसीएच भेजा जाए। उस रेफर का कोई पेपर नहीं मिला। ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं से सरकार के कथनी और करनी के फर्क को दर्शाती है। सरकार जिस बात पे अपना कॉलर ऊंचा करती है, धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। आज भी 90% 80% केसेस जो है वो रेफर कर दिए जाते हैं, इंटरटेन नहीं किए जाते हैं। ये दलालों के मिली भगत से सदर अस्पताल फल फूल रहा है, और वहाँ के डॉक्टर्स ही, सदर अस्पताल के डॉक्टर ही कहते हैं ना कि रक्षक की जब भक्षक बन जाए तो यही स्थिति होती है। वही स्थिति आज सीतामढ़ी के लोगों की हो गई है कि जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। वहाँ मौजूद एक शख्स ने इस पूरे वाकया का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से आनन फानन में जांच कमेटी बनाई गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में अस्पताल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीएम के द्वारा गठित टीम जांच कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का मामला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पे जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो लोग दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ये बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है कि इस तरह से एमसीएच होने के बावजूद और सभी सुविधाओं के बावजूद सड़क पे डिलीवरी हो जाए। इसकी जाँच की जा रही है कि किसके स्तर से गलती हुई। वहीं अब इस मामले में एक नया अपडेट भी आया है। सदर अस्पताल में हुई इस बड़ी लापरवाही के मामले में तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर सुधा झा को पदमुक्त कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह डॉक्टर एके झा को पदस्थापित किया गया है। पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बात जो तय है वो ये है कि नीतीश सरकार चाहे कितनी भी अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बयान कर रही है। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।